यह तस्वीर है हमीरपुर जिला कलेक्ट्रेट की। यहां से आज इस रथ को रवाना किया जा रहा है, जिसमें चुनाव आयोग ने वोटिंग मशीन व वीवीपैट के साथ एक बड़ा सा एलईडी टीवी भी लगाया हुआ है। और यह इसलिए ताकि आने वाले राष्ट्रीय पर्व पर पूरा देश भाग ले सके और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए बूथ लेवल पर लोगों को जागरूक किए जाने के लिए इस तरह से हजारों रथ देश के प्रत्येक जिले में भेजे गए हैं। ऐसा ही एक रथ आपके सामने है, जो हमीरपुर के 927 बूथों पर जाएगा और मतदाताओं को मतदान कैसे किया जाए उसका प्रैक्टिकल कराएगा, जिसको आज हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मतदाताओं के जागरूकता के लिए एक जागरूकता रथ, ये स्वीप का जागरूकता रथ है और साथ ही साथ इसमें ईवीएम और वीवीपैट की भी जानकारी मतदाताओं को दी जाएगी। अगर कोई भी मतदाता चाहेगा कि मैं किस ढंग से पोल में इसका इस्तेमाल करता हूं, तो वो इसको करके देख भी कर सकता है, मॉक पोल अर्थात हुआ। और ये पूरे जनपद में दोनों असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में हमारे घूमेगा। साथ ही साथ 18 अन्य टीमें अभी लगाई गई हैं, प्रत्येक टीम में 2 व्यक्ति हैं जो कि ईवीएम वीवीपैट लेकर के प्रत्येक बूथ तक भी जाएंगे। इसका एक रोस्टर बनाया गया है और हम लोग की प्लानिंग है कि 25 मार्च तक प्रत्येक बूथ पे, जनपद में कुल 927 बूथ है, प्रत्येक बूथ पे मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के लिए 100% जागरूक कर दिया जाए। चुनाव सर पर है, जिसको देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने अपने दांव पेच खेलना शुरू कर दिए हैं। उसके साथ ही चुनाव आयोग ने भी चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बूथ लेवल पर वोटिंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 75, हमीरपुर।